दोस्तों ये मशीन तो आपने देखा ही होगा, सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो सिटी स्कैन कैसे काम करता है, क्यों सिटी स्कैन करवाना पड़ता है, एक्सरे से क्यों काम नहीं चलता है। अगर आप सिटी स्कैन करवा रहे हैं तो सेफ्टी के क्या पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, एंड कुछ पैसे आप कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो अंत तक देखते रहिए वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरव, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक्सरे की कुछ लिमिटेशंस है, उसी वजह से सिटी स्कैन करवाना पड़ सकता है। तो पहले मैं आपको वो लिमिटेशंस के बारे में बताना चाहता हूं। तो दो लिमिटेशंस है, पहला लिमिटेशन है 2D प्लेन। चलिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल से ही आपको समझाता हूं। ये है मेरे पास एक मोबाइल फोन, मान लीजिए मुझे इसे ही स्कैन करना है। यहां पे से मैं एक्सरे दे रहा हूं, यहां पे एक्सरे आएगा और यहां पे उसकी फिल्म जो है वो जनरेट होगी। अगर मैं फोन को इस तरह रखता हूं तो फोन की तरह ही दिखने वाला कुछ इमेज मुझे एक्सरे पे मिलेगा, लेकिन अगर यही मोबाइल को मैं इस तरह रखूंगा तो सारी जो चीज है वो ओवरलैप हो जाएगी, मुझे एक पिन जैसा इमेज एक्सरे पे देखने मिलेगा। तो पहली जो ये लिमिटेशन है वो है 2D प्लेन, जहां पे मुझे सिर्फ 2D प्लेन मिलेगा, तो हर बार मुझे उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो है एक्सरे लेने पड़ेगी। काफी बार आपने प्रिस्क्रिप्शन पे देखा होगा AP, लेटरल, तो अलग अलग जगह से एक्सरे लेना पड़ता है डिटेल्स को देखने के लिए। तो ये जो होती है पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है कि एक्सरे में आप जो है वो वेन, ब्लड, ब्लड क्लॉट्स जैसी चीजें जो है वो नहीं देख सकते हो। जो लिमिटेशन जो है एक्सरे की है वो सिटी स्कैन में सॉल्व हो जाती है। तो ये दो लिमिटेशंस है, उसकी वजह से सिटी स्कैन करवाना पड़ सकता है। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है सिटी स्कैन क्या है। तो सिटी स्कैन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब जो क्वेश्चन है वो सिटी स्कैन कैसे काम करता है, तो उसके पीछे जो है वो है इंजीनियरिंग। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि सिटी स्कैन कैसे काम करता है। तो दोस्तों सिटी स्कैन मशीन जो है वो कुछ और नहीं, एक सिंपल सी एक्सरे मशीन ही है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, उसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है उसकी गैंट्री, जो आपको गोल चीज दिख रही है उसके अंदर ऊपर की ओर होती है एक्सरे ट्यूब और नीचे की ओर होता है डिटेक्टर। तो दोस्तों ये एक आप इमेज देख रहे हो जिसमें मैं ही खड़ा हूं और जो मशीन जो है वो पूरा खुला हुआ है। तो दोस्तों ऊपर की ओर होती है एक एक्सरे ट्यूब, नीचे की ओर होते हैं डिटेक्टर्स, और वो चीज जो है उसे बंद कर दी जाती है। और उसके अलावा होता है एक टेबल जो अप डाउन होता है और अंदर बाहर की ओर आपको ले जाता है। तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि वो जो गैंट्री है, वो जो गोल सी चीज है, उसके अंदर एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर्स जो है वो पैरेलली गोल घूमते रहते हैं। तो सिंपल एक्सरे है उसमें क्या होता है कि ये मोबाइल फोन है, यहां से एक्सरे आया और यहां पे फिल्म जनरेट हो गई, तो 2D फिल्म हुई। लेकिन सिटी स्कैन में क्या होता है, वो जो पूरी 360 डिग्री का रोटेशन होता है, एक्सरे जो है वो हर एंगल से टारगेट पे जाता है, तो उसके पास हर एंगल की डिटेल्स होती है। तो एक्सरे यहां पे आया, 360 डिग्री रोटेट हुआ, सारी डिटेल्स जो है वो डिटेक्टर के पास गई। उसके बाद जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में जाती है और वहां पे होता है मैजिक, वहां पे होते हैं मैथमेटिकल टर्म्स और काफी सारा कैलकुलेशन होता है, उसके बाद में जनरेट होती है इमेज। हालांकि आपको जो फिल्म दी जाती है वो तो 2D ही होती है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो 3D इमेज जनरेट होती है। तो जो एक्सरे का फर्स्ट कौन था, फर्स्ट लिमिटेशन था कि वो 2D प्लेन जनरेट करता है, वो सिटी स्कैन जो वो सॉल्व करता है, ताकि काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर बोन की लेंथ में कोई डिफरेंस है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ना है, तो कौन सा एंगल है, वो सारी जो चीज है वो डॉक्टर सिटी स्कैन से बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात आती है तो कोई भी डॉक्टर जो है वो एक्सरे से काम नहीं चलाएगा, वो सिटी स्कैन करेगे ही करेगे, ताकि हर एंगल की इंफॉर्मेशन अच्छे से उसे मिल पाए। तो दोस्तों ये जो पहला लिमिटेशन है वो सिटी स्कैन सॉल्व करता है, इसलिए वो यूज होता है। अब नजर डालते हैं दूसरे लिमिटेशन पे, जो है वो वेन, ब्लड क्लॉट देखने के लिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि सिटी स्कैन मशीन है तो एक एक्सरे मशीन ही, जिसके अंदर एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर्स जो है वो रोटेट होते हैं, तो उसमें कैसे वेन दिखती है, एक्सरे में तो नहीं दिखती है। दोस्तों उसलिए इंजेक्ट किया जाता है कॉन्ट्रास्ट। आपने ये जो मशीन है वो हमेशा सिटी स्कैन मशीन के बाजू में देखी ही होगी। ये जो है दोस्तों वो है इंजेक्टर, जो कॉन्ट्रास्ट आपकी बॉडी में डालता है। कॉन्ट्रास्ट कुछ और नहीं, आयोडीन होता है। तो जैसे ही वो आपके बॉडी में जाएगा, तुरंत ही वहां से स्कैन लिया जाता है, ताकि वो वेन्स और ब्लड
पार्ट को हाईलाइट करता है और वो इमेजेस आपको मिल जाती है। दोस्तों एक्सरे की ये दो लिमिटेशंस थी जो सिटी स्कैन मशीन ने सॉल्व कर दी, तो इसीलिए सिटी स्कैन मशीन यूज होता है। मैंने आपको बताया वो कैसे काम करता है, सिंपल मैकेनिज्म है, ऊपर एक्सरे ट्यूब होती है, नीचे की ओर होता है डिटेक्टर, वो 360 डिग्री रोटेट करते हैं और कुछ भी नहीं होता है, वो सारा डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है कंप्यूटर सिस्टम में और सारा मैजिक होता है वहां पे। फिर होता है सॉफ्टवेयर का कमाल, सॉफ्टवेयर जो है वो रॉ डेटा को कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करके वो एक 3D प्लान बनाता है, हालांकि आपको जो इमेज मिलती है वो तो 2D ही होती है फिल्म पे। तो दोस्तों ये इस हिसाब से वो सिटी स्कैन मशीन जो है वो काम करता है। लेकिन अगर आप सिटी स्कैन करवाना चाहते हो तो काफी सारे सेफ्टी पैरामीटर्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब नजर डालते हैं कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स पे। दोस्तों सिटी स्कैन करवाने के टाइम पे बहुत सारी चीजें है वो जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उसमें से पहली चीज है कि सिटी स्कैन जो है वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, सिटी स्कैन कोई भी नॉर्मल रूटीन चेकअप टेस्ट नहीं है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि चलो आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है सिटी स्कैन करवा लेता हूं, सिटी स्कैन में काफी रेडिएशन लगता है तो ऐसे ही मत करवाइए। और जब तक काम हो सके तब तक एक्सरे से चलाइए, क्योंकि एक्सरे में जो है वो बहुत ही कम रेडिएशन लगता है, कंपेयर टू एक्सरे सिटी स्कैन में 5 से 6 गुना ज्यादा रेडिएशन लगता है। तो जब तक काम हो सके एक्सरे से चलाइए। दूसरा, अगर आपको पेशेंट के बाजू में खड़ा रहना पड़ रहा है, पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, उस केस में लेड शील्डिंग का डिमांड कीजिए। ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं, जब पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता है तब ऐसी जरूरत पड़ती है कि पेशेंट रिलेटिव को जो है वो साइड में खड़ा किया जाता है। उस कंडीशन में दोस्तों लेड शील्डिंग का डिमांड कीजिए। लेड शील्डिंग जो होता है कुछ इस तरह से दिखता है और रेडिएशन से काफी काफी हद तक प्रोटेक्शन देता है। तीसरा सेफ्टी पैरामीटर, ये पॉड जो है आपने हमेशा रेडिएशन एरिया में देखा ही होगा और सिटी स्कैन मशीन के बाहर ही ऐसा ही साइनेजिस बॉर्ड रहता है और ये जो है वो कंपलसरी है, वो हर हॉस्पिटल में आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये जो रेडिएशन होता है वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, हालांकि लेडी के लिए इतना नहीं, लेकिन जो नवजात शिशु होता है, वो छोटा सा बच्चा होता है, उसके लिए वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी डॉक्टर सिटी स्कैन जो है वो सजेस्ट नहीं करता है, रेयर केस में वो एक्सरे सजेस्ट करता है और मोस्टली वो यूएसजी या फिर एमआरआई सजेस्ट कर देता है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो छोटे बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज है तो कृपया आप डिस्टेंस बनाए रखें सिटी स्कैन मशीन से, ये आपके बच्चे के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। जो चौथा पैरामीटर वो है, जो सिटी स्कैन का डोर होता है उसके आप नजदीक मत खड़े रहिए। अगर आपका पेशेंट अंदर है थोड़े दूर खड़े रहिए, डोर से बाहर रेडिएशन लीक होता ही होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा, ये मोबाइल है, अगर यहां से मैं उसको टारगेट कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि ये मोबाइल के पोर्शन पे ही उसका जो रेडिएशन है वो आएगा, वो पूरे रूम में लीक होता ही होता है। कोई भी एक्सरे ट्यूब इतनी एक्यूरेसी से काम नहीं करती, थोड़ा तो लीकेज रेडिएशन रहता ही रहता है जो स्प्रेड होता है। हालांकि सिटी स्कैन का डोर जो होता है वो लेड से बना होता है, फिर भी कुछ हद तक रेडिएशन जो है वो बाहर आता ही आता है। मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूं, मैंने खुद से डोजीमीटर लेके चेक किया हुआ है, थोड़ा तो रेडिएशन बाहर आता ही है, कि वो एक लिमिट से अंदर होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा रेडिएशन जो है उसके अंदर से बाहर आता है। तो अगर कोई रिलेटिव अंदर है तो कृपया करके वो डोर के पास न खड़े रहे, वहां पे एक रेड बाउंड्री आपको देखने मिलेगी, उसके थोड़े दूर ही खड़े रहे। दोस्तों अगर आपको सिटी स्कैन करवाना है, अगर आपको कोई रिलेटिव को करवाना है, तो ये 4 जो सेफ्टी पैरामीटर्स है उसे जरूर से ध्यान में रखिए। अब कुछ पैसे बचाने की बात करते हैं। आज का जो सिनारियो है ना दोस्तों, वो एक कॉम्पिटिशन का हो गया है। अगर चलिए मानिए आज मेरा इमेजिंग सेंटर है, मैंने 64 स्लाइस वाला सिटी स्कैन मशीन लगाया है, अगर मेरे ही एरिया में नियर बाय में कोई और इमेजिंग सेंटर खुलता है या कोई और हॉस्पिटल खुलती है तो वो क्या सोचेगा, मुझे इससे कुछ बेटर करना पड़ेगा तभी जाके पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो वो क्या करते हैं, 128 स्लाइस वाला सिटी स्कैन मशीन लगाते हैं। आपने काफी जगह बैनर पे ये दिखा होगा, हमारे पास 64 स्लाइस वाला सिटी स्कैन मशीन है, हमारे पास 128 स्लाइस वाला सिटी स्कैन मशीन है। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें होती है वो बहकावा होता है, इससे इमेज क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। चलिए वो चीज भी मैं आपको समझा देता हूं कि 64 क्या है और 128 क्या है। मान लीजिए ये मोबाइल को स्कैन करना है, यहां पे रख दिया है, तो 64 स्लाइस वाला जो सिटी स्कैन मशीन है इसकी 64 स्लाइस करेगा। तो मानिए इतने में उसने 64 स्लाइस कर दिया, तो पूरा मोबाइल स्कैन करने में उसको 2 सेकंड का टाइम लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड। वहां पे 128 स्लाइस वाला मशीन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, वो पूरे मोबाइल को 1 ही सेकंड में स्कैन
कर देगा, लेकिन उसमें आपका क्या फायदा होगा? इमेज क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इमेज क्वालिटी में 0.0001% का भी डिफरेंस जो है वो नहीं आता है। ये जो है वो टेक्नीशियन का काम जल्दी करता है, ये स्कैन प्रोसेस जो है वो जल्दी खत्म करता है, लेकिन वो इतना भी जल्दी नहीं है। अगर आप 16 स्लाइस का सिटी स्कैन मशीन भी ले ले तो वो 5 से 6 सेकंड लेगा और 128 वाला 1 सेकंड लेगा, तो 4-5 सेकंड में आपको इतना ज्यादा रेडिएशन नहीं लगता है। तो जस्ट स्लाइस के ज्यादा पैसे देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। काफी सारी टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे फ्लैट बेड है और काफी सारी और टेक्नोलॉजीज होती है, उस हिसाब से आप पैसे देते हो तो वो सही है, लेकिन जस्ट स्लाइस के ज्यादा पैसे देना मेरे हिसाब से कोई अच्छी और समझदारी वाली बात नहीं है। तो अगर आपको कोई 3000 में 64 सिटी स्कैन मशीन में स्कैन करके देता है तो वहीं पे करवाइए। इमेज क्वालिटी में 0.01% का भी डिफरेंस जो है वो नहीं आने वाला है। और आपको तो दोस्तों एक 2D प्लेन वाली इमेज ही दी जाती है जो A3 या उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है, आपको कोई भी 3D इमेज नहीं मिलने वाली है, तो क्यों ज्यादा पैसे खर्च करना है? आपका डायग्नोसिस तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई डिटेल छूट जाएगी 64 में, कोई भी डिटेल नहीं छूटती है, प्रिंसिपल जो है वो सेम रहता है। 28 स्लाइस होता है जो मैंने आपको समझाया, वो 1 सेकंड में स्कैन कर देता है, वो मशीन की स्पीड फास्ट करता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हो गई सिटी स्कैन के बारे में, कि सिटी स्कैन मशीन की जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे वो काम करता है, वो है क्या, अगर आप करवा रहे हैं तो कौन सी सेफ्टी की चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ सकती है, और आखिरी जो चीज है वो कुछ पैसे आप कैसे बचा सकते हो। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हो गई वो हो गई सिटी स्कैन के बारे में। आशा रखता हूं दोस्तों आपको ये अगर पसंद आया तो दोस्तों प्लीज इसे एक लाइक जरूर से दीजिएगा, और ये वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सिटी स्कैन को अच्छे से समझ पाए और ये जो सेफ्टी पैरामीटर्स है उसे वो कंसिडर करे और कुछ पैसे बचा पाए। तो दोस्तों अभी शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप के द्वारा या किसी और मीडियम के द्वारा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। दोस्तों मेरा नाम है नीरव, मेरे चैनल का नाम है मेडिकल गुरुजी, चैनल पे मेरा पहला ही वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ऐसे ही आपको वीडियोस आगे चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपको एक बेल आइकन दिखेगा उससे भी दबाइए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो रखूंगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले जो है दोस्तों आप मेरे वीडियोस को देख पाओगे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।